बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संपन्न हुए 24वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत नववर्ष म्यूजिकल ग्रुप के कलाकार एम रामश्री महाविद्यालय महोबा में पढ़ रहे छात्र अमन सोनी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संगीत गायन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान प्राप्त होने पर माननीय कुलपति जीवी वैश्यापन व प्रोफेसर एस बी निमसे पुत्र कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर रामश्री महाविद्यालय के प्राचार्य ऋतुराज गौतम एवं विद्यालय के मैनेजर गगन प्रताप सिंह मौजूद रहे। कुशीनगर तरियासुजान में एक युवक की 10 दिन पूर्व हुई निर्मम हत्या के मामले को पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। मुख्य हत्या आरोपी ने प्रेमिका से नाजायज संबंध के शक में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। हत्याकांड के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मामला क्या है, कार्रवाई हुई? दिनांक 16/17 सितंबर की रात थाना त्रयासुजान के ग्राम मठिया श्रीराम में एक नवयुवक की लाश मिली थी। घर वालों ने उसी समय थाने पर गुमसुदगी की सूचना दी थी और तब तक ये पता लगा कि एक गन्ने के खेत में उसकी लाश पड़ी हुई है। पुलिस द्वारा लाश को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में घर वालों ने कुछ लोगों पर अपना शक व्यक्त किया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया। इसमें नामित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिससे पूछताछ पर एक खुलासा हुआ कि घटना में नामित अभियुक्त रामू मिश्रा एक्साइज एक्ट में बिहार में जेल गया था और जब वो जेल में था तो उसकी महिला मित्र से यहाँ पर मृतक बातचीत करके उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था, किंतु वो महिला मित्र इसके लिए तैयार नहीं थी, इसकी हरकतों से परेशान थी। दो अलग अलग मामलों में जारी हुए गैर जमानती वारंट में कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे जमानत के लिए न्यायालय में पेश हुए। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए विवेकानंद शरण त्रिपाठी को कोर्ट ने 3 घंटे तक कस्टडी में रखा। बाद में निजी मुचलके पर न्यायाधीश ने 5 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर सांसद को रिहा कर दिया। हाँ, इस पर क्या कहना है? पहले तो न्यायालय के हर निर्णय का सम्मान भी कर रहा हूँ, और 2009 में गन्ना मूल बढ़ोतरी को लेकर रामकोला मिल पर लोकतांत्रिक हम लोग धरना दिए और मूल बढ़ा भी था। भैया उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारी बारिश से बलिया जिला कारागार कुछ इस तरह से जलमग्न हो गया कि कैदी आफत में फंस गए। बैरकों में घुटनों तक पानी भर जाने से कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करना पड़ा। रविवार देर शाम को एसपी देवेंद्र नाथ को सदल बल के साथ जिला कारागार का मोर्चा संभालना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ओर से प्रेरणा ऐप के खिलाफ शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीएसए को सौंपा। महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं और एबीवीपी के पैनल तले आप जीते हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय में भारत माता की संस्कृति और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज हमारा संगठन माँ भारती की सेवा में देश के हर कोने कोने में कार्य करने का कार्य करता है। मैं अपने संगठन के साथ मिलकर महाविद्यालय में शिक्षा और सुरक्षा के माहौल को बनाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। आपने अभी कहा शिक्षा और सुरक्षा, हम जानना चाहते हैं किस तरह से शिक्षा और सुरक्षा को महाविद्यालय में जो क्लासेज हैं वो हमेशा शुरू से डिस्टर्ब रही है। मेरा मिशन है कि महाविद्यालय में मिनिमम 235 दिनों की क्लासेज चलाई जाए और महाविद्यालय में एक वुमेन सेल की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे दूर दराज की आने वाली बहनें चाहे महाविद्यालय की बहनों को सुरक्षा मिल सके। जिस प्रकार से भारी बारिश में आपको 551 मतों से जीत हासिल हुई, तो जो मत देने वाले विद्यार्थी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन विद्यार्थियों का आजीवन आभारी हूँ जो हमें
हमें अपना स्नेह प्यार दिए, वो हमारे लिए भगवान है। एक एक मतदाता मेरे लिए भगवान है जिन्होंने अपने भाई को स्नेह देने का कार्य किया। आपके कार्यकर्ता जो आपको जमीन स्तर से शिखर पर ले गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे कार्यकर्ता जो भी, हमारे बड़े भाई अग्रज गुरुजन में हमारे संगठन के कार्य करने वाले जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ कार्य करने वाले, वो भाई से भाई, भाई की तरह कार्य करने वाले लोग लगे हुए थे, और वो हमारे रथ को कृष्ण बनकर अर्जुन की तरह खींचे। मैं उनका कार्यकर्ता बड़े भाइयों का आजीवन आभारी हूँ, और मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं कैसे उनका कर चुका पाऊंगा। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं जिस उद्देश्य से आपको मत दिया है, आप उनके उद्देश्य को किस तरह से और कैसे पूरा कर पाएंगे? मैं उनके उद्देश्यों के लिए महाविद्यालय में सर्वप्रथम लाइब्रेरी से उचित पुस्तकों का वितरण, महाविद्यालय में क्लासेज का चलना और सुरक्षा के माहौल को लेकर महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, और इस मुद्दे पे मैं काम करूंगा। महाविद्यालय में उचित पेयजल की व्यवस्था, इसके लिए महाविद्यालय में काम करने के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ। इतने शिखर तक जाने में आपको कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी बताएंगे? इतने शिखर तक जाने में मुझे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ कई बार लोग मेरे रिजल्ट को फेल करा दिया करते थे। मैं हमेशा लड़ता रहा छात्रों के बीच, रहा चाहे प्रवेश का कार्य हो तब, चाहे उनकी छात्रवृत्ति की बात आई हो तब, हमेशा कदम से कदम मिला के चलने का कार्य किया। लेकिन बाधाएं दूर होती हैं, बाधाएं तो आएंगी आगे बढ़ने के लिए, बाधाओं से बढ़ के मैं आया हूं, और हमारे भाइयों ने चुना है उनके लिए हमेशा कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करूंगा। तो क्या मानना है कि आप छात्र संघ राजनीति के बाद अब आम जनमानस की राजनीति भी करना चाहेंगे? जी अवश्य, महाविद्यालय की राजनीति के बाद मैं अपने संगठन के द्वारा जो दायित्व दिया जाएगा संगठन के अनुसार कार्य करने का काम करूंगा। एक बार फिर खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जहां पर चार दिनों से हो रही अनवरत बारिश की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आफत बनी बारिश के कारण शहर से सटे उमरगंज, न्यू बहेरी व जेपी नगर में आधी रात के बाद बरसाती पानी अचानक पूरा इलाका लबालब हो गया। इससे मोहल्ले के कई घरों में पानी भर गया। कुल मिलाकर यहाँ बाढ़ के हालात पैदा हो गए। देर से ही सही प्रशासन द्वारा लोगों के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। पड़ेगा क्या, अपना परिचय दीजिए। राजेश कुमार सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ागांव मोहल्ले जी। क्या आपके साथ घटना घटी, क्या हुआ है आप लोग से? मैं बलिया आया था 27 तारीख को से घर गया था, घर में अंदर था, जब तक बारिश की वजह से पूरा दरवाजे पर कीचड़ हो गया। भाई साहब, हमारे भाई साहब उनको जा रहे थे ऐसे झांकते हुए, बोले कि अरे सूखे में से साइड में से जाओ। अब जब हल्ला हुआ दरवाजे पर, देखे कि दोनों आदमी मार रहे हैं, हमारी बच्ची थी छोटी और इनको। कौन मार रहा था? मनोज सिंह थे, रमेश सिंह थे। ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जा रहे हैं हमारे। क्यों मार रहे थे ये? वही मना करने की वजह, पहले ही से रंजिश थी जमीन जी। किस हथियार से, किस हथियार से, डांटे से, हाथी से, किस तरह से? डंटा था, राड था जी। क्या उस समय आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस सूचना तो पुलिस आई थी, कोई थाने में गए थे हम लोग, कोई कार्रवाई उनके द्वारा? अभी कुछ नहीं हुआ, थाने में गए तो लोग मरीज बोले कि लेके जाओ इलाज कराओ। पुलिस के रवैया क्या है अभी तक? तो पुलिस के रवैया कुछ पता नहीं है, मतलब आगे पढ़ते पुलिस की रवैया सही है या गलती है, दोनों एक दो शब्दों में बताइए मुझे। अभी हम लोग बलिया गए, हम घर पर क्या हो रहा पता नहीं है। क्या नाम पड़ेगा जी? कहाँ के रहने वाले हैं? जी क्या आपके साथ क्या घटना घटी है, क्या हुआ आपके साथ? सोनू सिंह और अजय सिंह हमको पकड़ लिए और मनोज आशीष सिंह हमको मारने लगे। क्यों, किस बात के लिए? हम द्वार पे बैठे थे, पापा को बोले पापा को ही मारे उनको। जी कितने लोग मारे वो लोग? पापा को भाई को। तो क्या उस समय कोई आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी? आप लोगों ने क्या पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? हमको नहीं मालूम, सर में चोट लग गया था। ठीक, क्या आपका नाम पड़ेगा? विजय बहादुर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम शीतवाड़ा गाँव महारेम के रहने वाले हैं जी। क्या मामला है आपका? जमीनी मामला था सर जी। क्यों, किस आपको कैसी चोट लगी है सर? ये चोट लगा इसलिए सर कि वहाँ पर मैं बोला कीचड़ था, तो बोला कि किनारे से सूखा है उधर से चले जाओ, इसी पर वो लय होकर के लाठी लेकर के मारने लगे, हमको भी मारे, लड़की को भी मारे जी। और उसके बाद मैं घर में भागा मरीजाज में, वहाँ भी जा कर के जो है वहाँ पर किसी डंडा से, हथियार से, किस तरह से लाठी से और रॉड से।
जी कितने लोग घायल हुए हैं? चार आदमी, चार पांच आदमी घायल हुए हैं जी। तो क्या आपको किसी ने पुलिस को जानकारी दिया, पुलिस के रवैया कैसा है आपके प्रति? सर वहाँ गए हम लोग पुलिस के पास, तो पुलिस बोला कि पहले जाके सदर हॉस्पिटल में इलाज कराओ।